रेवांचल बस स्टैंड के वेटिंग हॉल में मिला बम, मिनटों में पहुंची पुलिस। खाली कराया गया परिसर बम स्क्वाड में किया निष्क्रिय। रेवांचल बस स्टैंड के वेटिंग हॉल में बम मिलने की सूचना पर शहर में अफरा तफरी मच गई। तुरंत सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम से मिले इनपुट के बाद पुराने बस स्टैंड में वाहनों का आवागमन रोक दिया। वहीं अन्य पुलिस कर्मी बस स्टैंड को खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही बम स्क्वाड टीम को अवगत कराया गया। दावा है कि पुलिस के बताए समय के अनुसार आधे घंटे के भीतर बम स्क्वाड दल मौके पर पहुंचकर सूटकेस को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही आईईडी विस्फोटक से भरे सूटकेस को खोला। इसके बाद टाइमर की तार काटकर निष्क्रिय किया गया, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने राहत की सांस ले ली। एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि अधिकारियों व नौजवानों के अंदर फुर्ती देखने के लिए गुरुवार शाम 4 बजे मॉक ड्रिल कराई गई। पहले से तय प्लान के मुताबिक पुलिस का ही आदमी सिविल ड्रेस में जाकर पुराने बस स्टैंड के वेटिंग हॉल में सूटकेस कर दिखाया। कई मिनटों तक संदिग्ध सूटकेस रखा गया। कुछ देर बाद यात्रियों की नजर सूटकेस पर पड़ी। संदिग्ध सूटकेस देखकर भारी संख्या में यात्री जुट गए। चिंतित लोग 100 डायल पुलिस कंट्रोल रूम सिविल लाइन थाने को दूरभाष में सूचना दी। बम की खबर से शाम 5 बजे पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तुरंत सिविल लाइन थाने का स्टाफ मौके पर पहुंचा, जिन्होंने होशियारी का परिचय देते हुए बस स्टैंड को खाली कराया। तब तक बम स्क्वाड दल भी आ गई थी। टाइम बम फर्स्ट पुलिस हद तक पास। पुलिस कप्तान ने शहरी थाना प्रभारियों की सक्रियता को जांचने मॉक ड्रिल कराई थी। सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम से सिविल लाइन थाने को बम रखे होने का पॉइंट मिला। बम स्क्वाड दल ने टाइम बम को निष्क्रिय किया। एसपी के भरोसे पर सिविल लाइन पुलिस खड़ी उतरी। वहीं चर्चा है कि पुलिस अधिकारियों की सक्रियता नहीं दिखी। बने रहें तक कपड़दार न्यूज के साथ। धन्यवाद।